पन्नगे चै सुरेंद्रे चै कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, देवाणम भन्ते कैराये भाषाये भासन्ति कैरा वा भाषा भाषिज्यमानी विशिष्सरति। गोयमा देवाणम अद्धमागहाये भाषाये भासन्ति सावीयणम अद्धमागहा भाषा भाषिज्यमानी विशिष्सति। प्रश्न पूछा गया कि भन्ते देव देवता किस भाषा में बोलते हैं और बोली जाती हुई कौन सी भाषा विशिष्ट होती है। गौतम के नाम उत्तर दिया गया कि देव अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं और वह अर्धमागधी भाषा बोली जाती हुई विशिष्ट होती है। यह एक प्रश्न और उत्तर है। भाषा जगत में अनेक भाषाएं हैं, संस्कृत भाषा है प्राकृत, इधर ये अंग्रेजी भाषा है और अनेक प्रांतीय भाषाएं हैं। भारत में कितनी भाषाएं चलती हैं, विश्व में और भी भाषाएं हैं। यह एक भाषा जगत है। मेरे मन में एक बात आई हुई है, आती है कि इतनी भाषाएं दुनिया में क्यों, इतनी भाषाओं की दुनिया को क्या जरूरत है, और इतनी भाषाएं होने से थोड़ी जटिलता हो गई है। अनुवाद क्यों करना पड़ता है, अनेक भाषाएं हैं तब अनुवाद करना पड़ता है। अगर दुनिया में एक ही भाषा होती तो फिर अनुवाद करने की संभवतः अपेक्षा ही नहीं पड़ती। तो मेरे मन में यह आता है, कितना मैं यथार्थ तक पहुंचा हूं वह अलग बात है, कि अगर दुनिया में एक ही भाषा होती कितना समय बच जाता। वरना अब इतने ग्रंथ हैं, हिंदी में अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, गुजराती में करो, कितना अनुवाद करना पड़ता है या कितना समय अनुवाद करने में लगता है और कितनी भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं। विद्यार्थी विद्या संस्थानों में पढ़ते हैं, कभी संस्कृत भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो, अंग्रेजी भी पढ़ो, वो पढ़ो, तो कितनी भाषाओं को पढ़ने में परिश्रम करना होता है, समय लगाना होता है। अगर एक ही भाषा होती, जैसे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी, एनीवन, कोई भी एक भाषा होती तो एक भाषा को अच्छी तरह समझ लो, सीख लो, जान लो, और भाषाओं को पढ़ने में समय लगाने की, श्रम करने की जरूरत नहीं। अब तो विषयों को पढ़ो, सब्जेक्ट को पढ़ो, भाषा को पढ़ने में ज़्यादा समय लगाना अपेक्षित नहीं। और एक ही भाषा तो मातृभाषा होती है, वो तो बोलते बोलते सुनते सुनते अपने आप ही कुछ तो आ सकती है। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर एकदम मुझे शायद मिला नहीं है कि इतनी भाषाएं दुनिया में क्यों बनी। क्यों बनी तो मान ले अलग अलग लोग थे, पर अगर शुरू से एक ही भाषा हो तो एक ही भाषा, हर देश का नागरिक वही भाषा बोले, उसी में लिखे, उसी में काम करे, तो दुनिया में सुविधा हो जाती, यह समय कुछ बच जाता, इतना श्रम नहीं करना पड़ता। अब भाषा को पढ़ने में समय लगाएं, इसकी अपेक्षा तो विषय को पढ़ने में श्रम और समय लगाएं,
तो मूल ज्ञान ज़्यादा हो जाए। भाषा तो मात्र माध्यम है, मूल चीज़ तो है नहीं, मूल तत्व तो अलग है। भाषा तो उसको जानने का और प्रस्तुत करने का एकमात्र माध्यम होता है। तो माध्यम के लिए भी हमें इतना समय लगाना होता है। तो एक ही भाषा दुनिया में होती तो वो इतना ज़्यादा समय लगाने की, श्रम करने की अपेक्षा नहीं होती। मूल विषय को पढ़ने में ही उस समय का और श्रम का उपयोग किया जा सकता था। भगवती सूत्र यह है, तो यह हमारे जो आगम हैं, जो जैन शास्त्र हैं, जैन श्वेतांबर परंपरा में और हमारी तेरापंथ श्वेतांबर परंपरा में, ऐसे 32 आगम मान्य हैं, 32 32 आगम मान्य हैं। और इन आगमों की जो भाषा है वो अर्धमागधी प्राकृत जो भी, अब इस अर्धमागधी प्राकृत भाषा को तो जनता इतनी समझ नहीं पाती है, वर्तमान की जनता। जनता क्या, हमारे हम लोग साधु साधियाँ भी, हर किसी के वश की बात नहीं है कि सीधा प्राकृत या अर्धमागधी से बात को पकड़ ले। कई पकड़ने वाले पकड़ सकते हैं। तो सीधा इस आगम की भाषा से अर्थ ग्रहण करना कठिन है, तो फिर अनुवाद की अपेक्षा पड़ती है। तो अनुवाद भी हुआ है, और अनुवाद एक ऐसी चीज है कि लेखक ने या जो प्राचीन वक्ता था उसने जो बोला है, उसने जिन शब्दों को काम में लिया है, उस लेखक या वक्ता का तात्पर्य क्या था, अभिप्राय क्या था। क्योंकि एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो वक्ता ने कौन से अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया है, यहां तक जो अनुवादक पहुंच जाए तो अनुवाद बढ़िया हो सकता है। वक्ता ने किस भूमिका पर, किस आशय से, किस तात्पर्य के रूप में वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग किया है, वहां तक पहुंचना नहीं होता है तो कहीं कहीं कभी कभी अनुवाद में गड़बड़ हो सकती है। सही अनुवाद से थोड़ा सा मिस्टेक वाला गलत अनुवाद भी हो सकता है। इसलिए यह अनुवाद, भगवती का भी अनुवाद हुआ है, भाष्य हुआ है, तो अनुवाद करने वाला व्यक्ति होता है उसको दोनों भाषाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिसका अनुवाद करे उस भाषा का भी ज्ञान हो, जिसमें अनुवाद करे उस भाषा का भी ज्ञान हो। तो भाषा का ज्ञान तो जरूरी है ही, भाषा के ज्ञान के साथ साथ वो कुछ सारस्वत साधना, साथ में वो एक प्रकार की गहरी थोड़ी सारस्वत साधना होती है। मानो वो उस लेखक और वक्ता से तादात्म्य सा स्थापित कर ले कि आपने कहा वो किस अर्थ में यह बात कही है, उसको भीतर से पकड़ने की चेष्टा करे। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य में, जो यह श्रमण महावीर पुस्तक है संभवतः, उसमें कहीं कहीं ऐसा वर्णन है कि मैंने देवर्धि गणि से संपर्क किया, मैंने भगवान महावीर से संपर्क किया, वो किया, ऐसे वाक्य मैंने तो बहुत वर्षों पहले वो शायद पढ़े, अभी भी होंगे वो, तो वो वाक्य हैं, मैंने देवर्धि गणि से संपर्क किया, मैंने उनसे संपर्क किया। तो एक मन में प्रश्न पैदा होता है कि भगवान महावीर बात थोड़ी करके, उनसे कैसे संपर्क हुआ होगा। देवर्धि गणि तो फिर भी मान लें अभी संसारी अवस्था में होंगे, किसी रूप में संपर्क हो तो हो जाए, उनसे भी संपर्क कैसे हुआ होगा। तो यह
पाठक के मन में थोड़ा प्रबुद्ध पाठक हो तो मन में एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा कि महावीर शेख देवरदेव गणिशेख उनसे संपर्क किया तो मोक्ष में गए जीव से कैसे संपर्क हो सकता है, देवरदेव गणिशेख कैसे संपर्क, ऐसे तो थोड़ी अनुत्तरित बात हो सकती है। और कोई लेखन की शैली भी मान लो हो जाए, इसके साथ साथ थोड़ी सी एक इसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी की क्या बात है उसको छोड़ भी दें, इस संदर्भ में बात है कि यह थोड़ी सारस्वत साधना वो होती है तो हम उस लेखक वक्ता का अभिप्राय क्या रहा होगा इसकी गहराई में जाते हैं, उसको संपर्क करना बोल दो कुछ भी बोल दो कि वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करना, उस व्यक्ति ने किस आशय से यह बात लिखी है, इसका मतलब क्या है। तो वो गहराई में जाते जाते वो ऐसी वो भीतर से या किसी रूप में स्फुरणा हो जाए, इसका यह अर्थ होना चाहिए। तो अनुवाद करना है वो भी थोड़ी गहरे ग्रंथ का अनुवाद करना एकदम सामान्य बात नहीं है, केवल भाषा का ज्ञान होना ही वो तो बड़ी बात है ही, लिखने वाले का आशय क्या वहां तक पहुंचना होता है तो वो अनुवाद में जीवंतता अच्छी आ सकती है। अब यह भगवती सूत्र है, इसका भी अनुवाद हिंदी में हुआ है, अंग्रेजी में भी, और ये भाष्य भी लिखा है। तो इसके भगवती सूत्र के व्याख्यान में भगवती की चूर्णी भी है, टीका भी है, ये संस्कृत में व्याख्या भी लिखी हुई है, इनको भी पढ़ने से कुछ ज्ञान मिल सकता है, वो अच्छी बात है। परंतु इससे भी एक आगे की बात है कि वो अनुवाद करने वाला उस वक्ता के साथ लेखक के साथ किसी रूप में तादात्म्य भी स्थापित करे कि इसका क्या अर्थ होना चाहिए। अब कभी कभी अनुवाद करने में एक वाक्य को सही समझने में कई दिन लग सकते हैं भी कि वो उसका सही मीनिंग क्या है। अब कोई अनुवाद का कार्य करने वाला है, हो सकता है वो एक दिन में एक पृष्ठ का अनुवाद भी न कर सके, कभी कभी वो अगर गहरा एकदम प्रामाणिक अनुवाद करना चाहे, एकदम ईमानदारी से अनुवाद करना चाहे तो कभी कभी हो सकता है एक दिन में एक पृष्ठ का अनुवाद भी न कर सके, क्योंकि वो उस किताब के उस पृष्ठ के वाक्यों के साथ इतना तादात्म्य जोड़ रहा है कि मूल अर्थ जब तक पकड़ में न आ जाए तब तक मैं अनुवाद नहीं करूं, और खोजूं और गहराई में जाऊं इसका सही मीनिंग क्या हो सकता है। तो यह कला, यह एक सारस्वत साधना की बात हो सकती है, वो थोड़ी सी ध्यान योग गहराई एकाग्रता से जुड़ी हुई बात हो सकती है कि कैसे उसकी गहराई में बैठना, तो उसका तात्पर्य समझ करके अनुवाद करना। अनुवाद करने वाला जब तक खुद का दिमाग स्पष्ट न हो जाए, क्लियर न हो जाए, तब तक अनुवाद जहां तक हो सके करना ही नहीं चाहिए। कि जब तक मेरे दिमाग में बात स्पष्ट नहीं हो रही है तब तक मैं अनुवाद करूं ही कैसे, सही मीनिंग लग जाएगा तब मैं लिखूंगा यह अनुवाद है। तो मैं तो जो थोड़े गहरे ग्रंथ हैं उनके अनुवाद करने को भी एक साधना मानता हूं, एक सारस्वत साधना होती है कि वहां तक पहुंचना, थोड़ा गहराई में बैठना, तब अनुवाद सही हो सकता है। तो ये हमारे जो आगम हैं ये परम पूज्य आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में और आचार्य महाप्रज्ञ जी की मुख्यता रही, यह संपादन अनुवाद जो भी ये टिप्पण जो कार्य हैं तो उनकी एक
महाप्रज्ञ जी गुरुदेव की जो मानो कि उनकी वो सारस्वत साधना थी, ऐसा लगता है। वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, एकदम साधारण आदमी नहीं थे। उन्होंने जो ये आगम का कार्य किया है तो उनका वैदुष्य भी था, वैदुष्य भी बहुत बड़ा पक्ष है, साथ में वो थोड़ी प्रज्ञा सारस्वत साधना वो साथ में जुड़ जाती है तो ये अनुवाद टिप्पण नोट्स लिखना वो अच्छा कार्य हो सकता है। तो अनुवादक में भाषा का, दोनों भाषाओं का अच्छा ज्ञान अगर हो और खुद का वैदुष्य भी हो, वो सारस्वत साधना थोड़ी गहराई में गई हुई हो, तो प्रौढ़ अनुवाद, गहरा अनुवाद, एक यथार्थ के आसपास वाला या यथार्थ अनुवाद हो सकता है। तो भगवती सूत्र में यहाँ जो प्रसंग आया है, जो प्रश्न किया गया कि देव देवता होते हैं वे किस भाषा में बोलते हैं। आदमी, हम लोग हिंदी बोल लेते हैं, कोई संस्कृत बोल ले, मारवाड़ी बोल ले, कोई गुजराती आदि आदि बोल ले, अंग्रेजी बोल ले, देवता किस भाषा में बोलते हैं। तो उत्तर दिया गया है कि देव अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं और वह अर्धमागधी भाषा बोली जाती हुई विशिष्ट होती है। यहां भी थोड़ी सी एक जिज्ञासा या आशंका हो सकती है। बताया गया है कि भगवान महावीर तीर्थंकर थे और वे अर्धमागधी भाषा में प्रवचन करते थे। तीर्थंकरों के 34 अतिशयों में यह बात जो कही गई है कि भगवान अर्धमागधी भाषा में धर्म का आख्यान करते हैं, प्रस्तुत सूत्र में कहा गया कि देव है वो अर्धमागधी भाषा में बोलते हैं। और वैदिक साहित्य में या वैदिक जगत में यह बात भी आती है कि संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा जाता है, संस्कृत भाषा देव भाषा ऐसा कहा जाता है, इसलिए संस्कृत भाषा का नाम भी पड़ गया, गीर्वाण वाणी, देव भाषा, सुर भाषा, यह संस्कृत भाषा का पर्यायवाची नाम सा भी पड़ गया है ऐसा लगता है। तो अब देवों की भाषा अर्धमागधी और यों संस्कृत को भी देव भाषा कहा गया है, तो बताया गया कि इसका तात्पर्य यह है कि जिस परंपरा में जिस भाषा को महत्व दिया गया है उसी भाषा को देव भाषा कहा गया है। और यहाँ जो इसके वृत्तिकार ने भाषा के 6 प्रकार भी बताए हैं, ये प्राकृत, संस्कृत, मागधी, पैसाची, सौरसेनी, अपभ्रंशी, और अर्धमागधी भाषा की वो होती है जैसा बताया गया है कि जिसमें प्राकृत और मागधी दोनों के लक्षण मिलते हैं वह अर्धमागधी होती है। तो यह भाषा जो देव भाषा, यहाँ अर्धमागधी को देव भाषा बताया गया है, तो अर्धमागधी भाषा या प्राकृत जो भी हमारे जो आगम हैं, अब इन आगमों की भाषा को सीधा पकड़ना बहुतों के लिए संभवतः कठिन हो जाता है। तीर्थंकर जिस भाषा में बोलते हैं उसकी एक बड़ी विशेषता है, वो भले अर्धमागधी भाषा में प्रवचन करें परंतु जो श्रोता होते हैं वे उनकी भाषा को अपनी अपनी भाषा में ग्रहण कर लेते हैं, अपनी अपनी भाषा में उसको सुन लेते हैं, यह अतिशय मान्य उनका। तो जैसे आजकल वो विज्ञान भवन जैसे जगह जो भी वक्ता बोले उसका अपनी अलग अलग भाषा में अनुवाद आ जाता है, तो तीर्थंकरों का कुछ ऐसा ही, वो बोलते अपनी भाषा में, श्रोता हैं वो सहज ही अपनी अपनी भाषा में उनको सुन लेते हैं। तो आज तो विज्ञान भवन आदि में व्यवस्था होती है, अभी अपनी भाषा वो सुन लो, ऐसे लगा सुन लो, तीर्थंकरों की तो भाषा वो बिना यंत्र लगाए अपने आप ही श्रोता अपनी भाषा में उसको सुन लेते हैं, ये एक उनका वैशिष्ट्य है।
तो ये हमारे आगम हैं, इनकी भाषा सर्व बुद्धिगम्य नहीं है, इसलिए फिर अनुवाद की आवश्यकता होती है। तो परम पूज्य आचार्य तुलसी के समय एक बड़ा कार्य शुरू हुआ अनुवाद का, ये जो अनुवाद टिप्पण जो भी कि शास्त्रों का अनुवाद किया जाए, उन पर व्याख्या लिखी जाए ताकि वो समझने में पढ़ने में सुविधा रहे, नॉन जैन जैन कोई भी फिर उसको समझ सके। तो यह हमारा कार्य जो गुरुदेव तुलसी के समय शुरू हुआ था, आज भी संपूर्ण पूरा नहीं हुआ है, आज भी वो काम अपूर्ण ही अपूर्ण है, काम गतिमान तो है, मंजिल तक नहीं पहुंचा है। 32 ही आगमों का टेक्स्ट जो है मूल वो तो छप गया, अनुवाद और टिप्पण बहुतों के बहुत कई आगमों के आ गए, अभी भी कुछ कार्य अवशेष की सूची में है। तो यह एक गहरा ज्ञान का आकर यह साहित्य है, आगम साहित्य, और मानव भारत का सौभाग्य है कि ऐसे प्राचीन ग्रंथ जो प्राकृत अर्धमागधी संस्कृत या पाली साहित्य ऐसे ऐसे ग्रंथ प्राप्त हैं, वो मानव भारत का भाग्य है। और इसका अनुवाद करके ऐसे ग्रंथों को सामने लाया जाता है, यह मानव अनुवाद करने वालों का भी भाग्य है कि उनको ऐसा मौका मिलता है कि उन प्राचीन ग्रंथों पर लेखनी चलाना, अनुवाद करना, उनकी व्याख्या लिखना आदि आदि कार्य होता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य तुलसी तो मैं इस आगम कार्य का एक प्रमुख तो हमारे आचार्य तुलसी थे, वाचना प्रमुख वे थे, उनके वाचना प्रमुखत्व में नेतृत्व में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने मानो ये बीड़ा उठाया, काम किया। तो हमारे आगम कार्य में आचार्य तुलसी के वाचना प्रमुखत्व में प्रमुख एक भूमिका आचार्य महाप्रज्ञ जी की रही है, उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया था, आज भी वो काम वैसे चालू है, गतिमान है। तो ये भगवती सूत्र है, यह हमारे 32 आगमों में सबसे बड़ा आगम, सबसे बड़ा आगम यह भगवती सूत्र है, महत्वपूर्ण भी है, बहुत प्रश्नोत्तर इसमें प्राप्त होते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत अच्छी बातें मिलती हैं। तो ऐसे ग्रंथों का जो अनुवाद कार्य हुआ है और भाष्य टिप्पण लिखे गए हैं, यह एक श्रुत जगत की सेवा है, ज्ञान जगत की सेवा है। तो अनुवाद करना भी एक साहित्य जगत की मानो सेवा होती है, ज्ञान जगत की सेवा होती है। तो आज हिंदी भाषा का उपयोग है, तो आज अंग्रेजी भाषा का भी बड़ा उपयोग है, कितने लोग होंगे जो हिंदी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको तो अंग्रेजी में सामग्री मिले तो वो पढ़ सकते हैं। तो अनुवाद करने वाला मूल भाषा, ग्रंथ की मूल भाषा को भी ध्यान में लेता रहे, समझता रहे, तो अनुवाद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। वरना कभी कभी प्राकृत से मानो संस्कृत किया, संस्कृत से हिंदी किया, हिंदी से अंग्रेजी किया, तो वो मूल को न पकड़े तो कहीं कहीं वो दूध में थोड़ा पानी मिल सकता है, तो थोड़ा थोड़ा दूध में पानी मिल सकता है, तो वो पानी कम से कम मिले, ज़्यादा न मिले, बढ़िया बात है, दूध का दूध ही रहे तो बहुत ही बढ़िया है, इतना नहीं तो बहुत कम से कम ही पानी मिले, वो ज़्यादा मूल ही रहे। क्योंकि अनुवाद आखिर वो मूल का एक एकदम मूल की आत्मा तक पहुंचकर अनुवाद हो तो बहुत ही बढ़िया काम होता है, तो उसके लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगे तो लगे, देरी हो तो हो, अनुवाद होना चाहिए बढ़िया, यह खास बात है। अनुवाद छपे, कोई भी किताब छपे, प्रूफ मिस्टेक्स अगर न हो तो बढ़िया, वरना किताब अनुवाद करने वाले ने बढ़िया किया है, प्रूफ मिस्टेक्स हो जाती हैं तो भी कई बार अर्थ गलत हो सकता है और पढ़ने में थोड़ा आनंद भी कम आता है। तो छपने वाली किताबों में प्रूफ मिस्टेक्स न हो, मूल अनुवाद करे तो अनुवाद बहुत जीवंत हो, बढ़िया हो, तो फिर वो अनुवाद बहुत उपयोगी, लाभदायी, न्यायपूर्ण हो सकता है। तो
तो यह भगवती सूत्र में अर्धमागधी भाषा की बात आई है कि देवों की भाषा अर्धमागधी होती है और हमारे शास्त्रों की यह भाषा प्राकृत अर्धमागधी जो भी है, हम ऐसे ग्रंथों को थोड़ा गहराई से पढ़ सकें और मूल आत्मा तक जा सकें तो एक अच्छी प्राप्ति हो सकती है। दानान सिठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय कुत्ते।